वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं ना कुछ नया करने जा रही हूँ, और वो नया मैं क्या करने जा रही हूँ, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, लाइफ में, लुक में। अगर आप लुक चेंज कर लेते हो ना, लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ हेयर कलर। मैंने ना इससे पहले हाईलाइट्स करे हुए हैं, वो भी घर में करे हुए हैं, बट पूरे बाल कभी मैंने कलर नहीं करे। बट आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पूरे बालों को कलर करने के लिए। हम मेरा भाई कह रहा है कि पूरे बाल कैसे, मुझे लगा ये थोड़े थोड़े करेगी, बट मैं पूरे बाल करने वाली हूँ। आई डोंट नो कि ये पूरा का पूरा क्या बोलते हैं मेरे बालों में लग पाएगा नहीं लग पाएगा। वैसे तो 50 ml का है ये, तो शायद लग जाना चाहिए, मेरे बाल भी बहुत हल्के हो गए हैं। तो ये मैं कलर करने जा रही हूँ बी ब्लंट का चेरी रेड 6.62 चेरी रेड कलर। इससे थोड़ा बरगंडी कलर आएगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि पता नहीं ना कि कैसा लगेगा कलर, कैसा नहीं लगेगा लगाने के बाद, कहीं पता चले अच्छी ना लगूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो चीज़ करूँ अच्छी ना लगे। तो आओ चलो देखते हैं कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपना क्या बोलते हैं, ये आ जाता है सैलून कलर एंड सीक्रेट फैशन शेड। ये जो कलर है अपना चेरी रेड वो है। इसके साथ है डेवलपर, और ये आ गया हमारा एक और ट्यूब, इसके साथ है शाइन टॉनिक। ये बालों में शाइन देगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसके अंदर जो भी क्या बोलते हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं गुनू उसको, हाँ इंट्रक्शंस, जो इंट्रक्शंस होते हैं वो इसके अंदर मिल जाएगा एक, और साथ में मिल जाएंगे ग्लव्स। तो चलिए, ये ट्यूब ना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बिग है, आप देख सकते हो, शायद ही मेरे बालों में लग जाए, बाकी देखते हैं। और ना मैं ना दूसरा कलर इसलिए भी नहीं लाई हूँ कि मतलब मुझे डर था कि अच्छे लगे ना लगे, इसलिए कम लगा के देखते हैं, जितने बालों में लगेगा उतने बालों में लगा लूँगी। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो मेरे ना हेयर्स भी वाइट होने स्टार्ट हो गए हैं, ये आप देख रहे हो कितने सारे वाइट हो रहे हैं। ये सब चीज़ें ना मैं अकेले नहीं दुनिया में झेल रही हूँ, बहुत सारे लोग झेल रहे हैं, क्योंकि आज के जनरेशन में जो टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हर चीज़ की, तो ये सब चीज़ें टेंशन की वजह से होती है। तो मैंने जैसे ही खोला ये देखो कितना रेड कलर है, क्यूट, ओ माय गॉड। के अंदर ना मैंने ट्यूब में से सारा का सारा कलर एकदम निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे डेवलपर। आई एम गोइंग टू ऐड डेवलपर एंड इट, सारा का सारा मिला देना है सब कुछ, क्योंकि मैं सारा का सारा कलर यूज करने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर मिला देंगे हम शाइन टॉनिक, ये भी सारा का सारा। ट्यूब बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा, बट इतना ही खाली माल था इसके अंदर, नहीं ठीक है, जितना दे सक मतलब जितना होना चाहिए उतना है इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और इसको ना रखना नहीं है गाइस, लगा लेना है, जैसे ही सब कुछ मिक्स कर लोगे आप तुरंत लगा लेना इसको। Oh God, तो पूरा रेड दिख रहा है गाइस, आई डोंट नो क्या होने वाला है मेरे बालों के साथ। देख चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने ग्लव्स जो है पहन लिए है, अब मैं बालों में सेक्शन टू सेक्शन लगाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाल निकाल लूँगी अपने थोड़े से ऐसे करके, और पीछे
क्लचर मेरा पीछे से मैंने बाल क्लच कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से जो है कलर अपना उठा लूंगी। सवा 12 हो रहे हैं गाइज, इसको सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट्स तक लगाना है। तो मैं सिर्फ कोशिश करूँगी सिर्फ आधा घंटा लगाऊँ, पता नहीं मेरे पे कलर ही कैसा लगेगा वैसा नहीं। 45 मिनट्स तक पूरा डीप कलर के लिए 45 मिनट्स तक लगा सकते हो। आधे घंटे बाद इसको मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगता है कलर। अब मेरे लिए एक्साइटमेंट बढ़ रही है और डर दोनों लग रहा है एक साथ। फेस पे जो लग रहा था वो मैंने थोड़ा थोड़ा ना हटा दिया, क्योंकि हाथ पे से ना अच्छे से हटाने के फेस पे रह जाता ये। गॉड कैन सी गाइस, कलर काफ़ी अच्छा आ गया है और मुझ पे भी अच्छा लग रहा है। अभी अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ, बाकी धूप में दिखाती हूँ। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, बाकी तैयार होकर देखते हैं। सो गाइस, मेरे हेयर जो है कलर हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि कैसे लग रहा है। मैं यहाँ पर मैं एक वीडियो अटैच कर दूँगी जो धूप वाली है। धूप में तो ये और शाइन कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और कहीं कहीं से तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, बट धीरे धीरे करके ये फेड हो जाएंगे। एक्साइटमेंट जो थी वो सक्सेसफुल हुई, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। मेरा भाई भी कह रहा है अच्छा लग रहा है। गाइस, जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी ना इस कलर से वो एग्जैक्टली आई है और ये मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ना बाहर स्पेशली इसलिए आई हूँ ताकि ये धूप में आपको अच्छे से दिखे, और कैमरा में मुझे नहीं पता ये कैसे दिख रहे होंगे कैसे नहीं, बट रियलिटी इन रियलिटी है ना। गुन्नू कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शाइन मार रहे हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा है कि मैं धूप में जाकर आपको सब कुछ दिखा कर आई हूँ। जो मतलब रूम में ना थोड़ा डार्कनेस भी है ना, तो इसकी वजह से भी थोड़े ये अच्छे कलर, मतलब इसमें पूरा क्लियर कलर दिख नहीं रहा, बट मैंने आपको बाहर जाके दिखाया है। आप भी यही करना, बी ब्लड। बहुत अच्छा था भाई, तुम एक्सपेक्टेशंस से बेहतर निकला समझ लो। और हाँ, अब मैं इसके बारे में ही बताती हूँ आपको। ये ना इस पे लिखा हुआ है 8 वीक्स तक लॉन्ग लास्टिंग, मतलब 8 हफ्ते तक ये रहेगा। देखते हैं, 8 हफ्ते तक रहता नहीं रहता। और थैंक यू ब्ली ब्लंट, मैं आपकी पैर पड़ती हूँ। फ्री प्रमोशन? नहीं, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मेरा मन था, मैंने अपर्णा देवयाल जो लड़की है उसको देख कर मैंने कलर करा है, उसके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब मैं पागल हो गई। मैं आपको सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, मैं ना ट्रिप पे जा रही थी इसी महीने, अपना बर्थडे भारी बनाने वाली थी, बट किसी कारणवश जो है मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई है। गाइस, ये हकीकत बात है, जब तक आप किसी चीज़ के लिए निकलना चाहो ना, किसी को मत बताया करो। मैंने ना हर जगह गा दिया था कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, ट्रिप पे जा रही हूँ,
इवन हमारी टिकट्स भी बुक हो गई थी, टिकट्स भी बुक हो गई थी। आपकी भी अगर कभी टिकट्स बुक हो जाए और आप गा दो तब भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए कभी गाना मत। मेरी गाने की वजह से मेरी ट्रिप भी कैंसिल हो गई। मैं पता नहीं बर्थडे कैसा जाएगा कैसा नहीं, कोई बात नहीं, बट इट्स ओके। कौन सा हर साल बहुत अच्छा जाता है, जो इस साल एक्सपेक्टेशंस रखूँ मैं अच्छा नहीं जाता है, तुम लोगों का अच्छा बनाती हूँ मैं। तो बस यही था आज तक का जो भी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी और ये हेयर कलर मेरे पे अच्छा लगे आप लोगों को भी, तो उस चीज़ को कमेंट में बताना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। हैप्पी गॉड गो।